सो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं अपनी गाड़ी जो कि मारुति सुजुकी एस क्रॉस है, उसका मैं आपको हेडलैम्प का रिस्पॉन्स शेयर करने वाला हूँ, जिसमें एलईडी बल्ब आता है। और तो चलिए चलते हैं उसके सीधे ड्राइव में। तो जैसे कि मेरे को आपके साथ इसका हेडलाइट का रिस्पॉन्स शेयर करना था, तो मैं एक रोड के डेड एंड में आ चुका हूँ। ये जो अभी आपको रोशनी दिख रही है, ये सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के DRL की रोशनी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप यहाँ पे मीटर में देख सकते हैं कि इसकी कोई से भी एक्स्ट्रा लाइट ऑन नहीं है, ये सिर्फ DRL है। और अगर मैं इसकी एक्स्ट्रा लाइट ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये वाला आइकन आ जाएगा। और मैं इसको ऑन कर दिखा देता हूँ। ये वाला जो आइकन है वो हेडलाइट का है, और अगर मैं इसको हाई बीम पे करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लू लाइट आ जाएगी। तो ये सिर्फ आपका DRL की रोशनी है। और अब मैं इसकी आपको लो बीम ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये इस गाड़ी की लो बीम है, और अगर मैं फॉग लैम्प ऑन करूँ तो ये फॉग लैम्प की रोशनी है। और अब मैं गाड़ी को हाई बीम करके दिखा देता हूँ। ये गाड़ी की हाई बीम है, और ये रिस्पॉन्स मैं आपको अभी लोकल, अगर हम कॉलोनी या नॉर्मल कंडीशंस में हम चलाएं अगर, तो कैसा रिस्पॉन्स वो आपसे शेयर करूँगा। और उसके बाद मैं आपको इसका हाईवे का एक रिस्पॉन्स भी शेयर करूँगा। तो अब आप इसके हेडलाइट के फ्रंट लुक को इन्जॉय करो। तो ये इसका बाहर के व्यू है, और आप देख सकते हैं इसकी DRL के लुक ऐसे आती है कुछ। और फ्रंट लुक की इसकी बात करें तो कुछ ऐसे इसकी फ्रंट लुक है। और इसकी रोशनी मैंने आपको दिखाई दी थी, ये खाली इसके DRL की रोशनी है। और अब इसको लो बीम पे ऑन करते हैं, तो आप देख लीजिए इसका लो बीम ऑन हो गया है। लो बीम में कुछ ऐसी लुक आ रही है इसकी। और रोशनी की बात करें तो दोबारा आपको DRL से लो बीम पे जाके दिखा देते हैं। तो ये इसका DRL आ गया, और ये इसकी लो बीम है। तो कुछ अपनी ऐसे विजिबिलिटी को ये बढ़ाता है। और अगर आगे से देखें तो अब इसके फॉग लैम्प ऑन करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसके फॉग लैम्प है। और मैं आपको पीछे से इसके फॉग लैम्प का व्यू दिखा देता हूँ। तो फॉग लैम्प को अब ऑफ करता हूँ मैं, ये फॉग लैम्प ऑफ हो गए हैं। अब आप इन्हें ऑन होते हुए देखना, तो आप देख सकते हैं इसके फॉग लैम्प का स्प्रेड भी काफ़ी अच्छा है, जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है और प्रॉपर अपने यहाँ तक आप देख सकते हैं फॉग लैम्प की लाइन आ रही है। ये इसका फॉग लैम्प का रिस्पॉन्स है। और अब मैं इसको हाई बीम पे कर देता हूँ। ये इसका हाई बीम है, और लो बीम से हाई बीम आपको एक बार सामने से दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके शटर की आवाज़ है हाई बीम से लो बीम आने की, जो काफ़ी प्यारी आवाज़ है। और आप साइड से देख सकते हैं इसकी बीम चेंज होते हुए लो बीम से हाई बीम में। आपको दोनों को एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो कुछ इसका ऐसा रिस्पॉन्स है हेडलाइट का। और अब मैं आपको ये कॉलोनी में एक बार गाड़ी चला के दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ इसका हाईवे का रिस्पॉन्स शेयर करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैं कॉलोनी में अपनी कार को ड्राइव करवा रहा हूँ, और ये गाड़ी का लो बीम है। अब एक बार इसके फॉग लैम्प ऑन करते हैं, तो इसका फॉग लैम्प का रिस्पॉन्स है। और इसको हाई बीम पे करते हैं अब, तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको फुल जूम कर दूं और अब इसमें डिपर मारूं, तो आप देख सकते हैं इसका थ्रो एकदम आगे तक दिख रहा है। और मैं कैलकुलेट करके तो नहीं, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़ा दे सकता हूँ कि ये 1 किलोमीटर के आसपास की रेंज दे रहा है अभी, अगर स्ट्रेट हम सामने वाली गाड़ी की बात करें, जो कि आपको अब समझ आएगी थोड़ी। तो ये वहाँ तक पड़ रही है लाइट, और आप साइड में भी देख सकते हैं कि कैसे इसका रिस्पॉन्स है। और इसको अब मैं हेडलाइट को इसकी ऑफ कर देता हूँ। ये हेडलाइट ऑफ है, और ये इसकी DRL की रोशनी है। आप देख सकते हैं हमारे इतने टॉर्चर करने के बाद इस बंदे को लो बीम करनी पड़ी, और ये दूर से डीपर मार रहा है।
इसको परेशान ना करते हुए चुपचाप जाने देते हैं हमारे डीएलआर की रोशनी में। ये देखिए कितना डर रहा है बेचारा, सोचेगा पागल है क्या, अब से डिपर मारे जा रहा है दूर से इतनी। तो अब इसकी हेडलाइट को फिर से हाई बीम पर ले जाते हैं। बाकी मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है कि आप बिना हाईवे के अपनी गाड़ी को हाई बीम पे रखें, क्योंकि सामने वाले बंदे को बहुत परेशानी होती है। तो खाली मैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए गाड़ी को हाई बीम पे रख रहा हूँ, और पर्सनली मैं भी गाड़ी को लो बीम पे ही रखता हूँ, और हाई बीम पे मैं तब यूज़ करता हूँ जब मैं हाईवे पे हूँ। तो अब मैं इसका हाईवे का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ इन 3 2 1 बूम। तो मैं अपनी गाड़ी में आ चुका हूँ, और मैंने आपको बोला था कि मैं इसका हेडलाइट का रिस्पॉन्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो कुछ ऐसा इसका रिस्पॉन्स है। अभी ये गाड़ी लो बीम पे है, मैं इसको हाई बीम कर देता हूँ। तो ये इसका हाई बीम है, और इसका जो रिस्पॉन्स है मेरे को सबसे अच्छा लगता है इसमें। जो आफ्टर मार्केट हम काम कराते हैं उसमें भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता हमें। आप देख सकते हैं इसका पूरा थ्रो बहुत अच्छा जा रहा है पूरी रोड में। लो बीम पे आप देखेंगे पूरी रोड को ये कवर कर रहा है, और हाई बीम करते ही सामने का भी आपको बहुत अच्छे से दिख जाता है। इस गाड़ी में आपको नॉर्मली आपके हैलोजन वाले प्रॉब्लम मिल जाते हैं, जिनको ऑन करके दिखा देता हूँ आपको, जिनकी रोशनी मेरे को कम लगती है अगर मैं थ्रो के बारे में बात करूँ। और रियर सेंस में फॉग लैंप का काम होता है वो यही होता है कि जो गाड़ी का जो हेडलाइट का जहाँ से रोशनी स्टार्ट होती है और गाड़ी के बम्पर का जो एरिया होता है उस एरिया को कवर करता है फॉग लैंप। तो वो काम ये अपना जस्टिफाई कर रहा है करके। मैं आपको दूसरे कैमरा एंगल से इसकी हेडलाइट रिस्पॉन्स का व्यू शेयर करता हूँ। तो ये कैमरे का सेकंड एंगल है, और अभी गाड़ी लो बीम पे चल रही है। पहले मैं आपको फॉग लैंप का रिस्पॉन्स शेयर कर दूँ। ये आप देख सकते हैं फॉग लैंप का प्रॉपर रिस्पॉन्स आपको पता चल रहा होगा, और फॉग लैंप मैंने आपको बताइए बढ़िया काम कर रहा है। और अब इसको हाई बीम पर डाल देता हूँ गाड़ी को मैं। तो ये कुछ गाड़ी का पूरा रिस्पॉन्स है गाड़ी का नाइट में, और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है नाइट में। आप देख सकते हैं इसको रोशनी में कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं लो बीम हाई बीम कर रहा हूँ, पूरा सामने के जो साइन बोर्ड्स होते हैं सब कुछ दिख रहे हैं। और अगर हमें किसी से ओवरटेक लेना हो, सिग्नल देना हो, तो सामने ट्रक में देख सकते हैं, एकदम प्रॉपर थ्रो है इस गाड़ी का। और ये मैं टिप कर देते हुए बहुत आसानी से इसे ओवरटेक ले रहा हूँ, और फॉग लैंप ऑफ करके दिखाता हूँ आपको मैं। तो उसके फॉग लैंप भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसकी गाड़ी के फॉग लैंप अपग्रेड करूँ, IPS HID इससे चेंज करूँ हैलोजन से, तो आप कमेंट करके बता देना। अगर आप बोलोगे तो करा लूँगा उसको चेंज कर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। Till then, stay tuned, peace.